जनपद कासगंज थाना सहावर के क्षेत्र में हुई महिला की हत्या की घटना में 24 घंटों के अंदर सफल कार्यवाही। अवैध संबंधों में बाधक बनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। अभियुक्त पति गिरफ्तार। मौके से अभियुक्त के खून से सनी कमीज व घटना में प्रयुक्त तार बरामद। शनिवार के दिन घटना को पुलिस अधीक्षक कासगंज रोहन प्रमोद बोत्री द्वारा गंभीरता से लेकर क्षेत्राधिकारी सहावर के नेतृत्व में SOG सर्विलांस व थाना पुलिस की अलग अलग 4 टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों द्वारा सुरागनी व मौके से बरामद एक खून से सनी कमीज के आधार पर मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पति ने बताया कि उसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था और जानकारी करने पर संज्ञान में आया कि अन्य समस्याओं को लेकर पति पत्नी में विवाद होता रहता था और ये भी संज्ञान में आया कि पति के संबंध किसी अन्य महिला से भी थे जिसका पत्नी विरोध करती थी, इसी कारण से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। कासगंज से सचिन दुबे की रिपोर्ट, P News। कल एक महिला की हत्या हुई है, उसका खुलासा हुआ क्या है पूरा? देखिए, थाना सहावर के उद्दनपुर एरिया में एक महिला का शव मिला था। 32 वर्षीय महिला, उसको आइडेंटिफाई किया गया था तो उसका नाम सुषमा वाइफ ऑफ गीतम ऐसा पाया गया था। मौका मुआयना मेरे द्वारा उसमें किया गया, साथ ही में डॉग स्क्वाड SOG टीम को भी वहां पे लगाया गया था। जो बात बाद में सामने आई थी, एक व्यक्ति जो कि महिला का ही पति है गीतम, इसकी गिरफ्तारी बाद में पुलिस ने की है। जो उससे बात अनमालूम हुई है, इन दोनों के बीच में लगातार अनेक चीज़ों को लेकर अनबन होती थी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि गीतम का बाहर अन्यत्र किसी महिला से अफेयर चल रहा था जिसका विरोध इसकी पत्नी करती थी। इसी के चलते इनमें आए दिन अनबन होती थी, इसी के न चलते इसने इसकी हत्या कर दी थी महिला की। स्ट्रैंगुलेशन से हत्या होना इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया था। साथ ही में गले पे लगा हुआ एक कट मार्क जो है वो तार का इस्तेमाल करने के वायर इस्तेमाल करने से हुआ है। वायर जो तार है वो भी उसमें बरामद कर लिया गया है। इस व्यक्ति को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।